हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग लर्न अबाउट डिज़ाइन। तो आज हम सीखने हैं डिज़ाइन। तो इसे मराठी में संकल्प चित्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने पेपर प्लेन शीट ली है, आपको आपकी ड्राइंग की जो बुक है उसमें पिक्चर कंप्लीट करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम डिज़ाइन निकालने वाले हैं, जिसके लिए हमें स्क्वायर निकालना है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर निकालने के लिए हमें स्केल और इरेजर पेंसिल लगेगी। जब भी हम डिज़ाइन निकालेंगे तो हमें फर्स्ट ये डिसाइड करना है कि उसके अंदर हमें कौन से पॉइंट नोट आउट करने हैं, कौन से आकार निकालना है, वो आकार हमें यहाँ पे लिख लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, फ्लावर्स यानी कर्व लाइंस यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं सर्कल 2 या 3, स्क्वायर 3 या ट्रायंगल निकालने वाले हैं हम 2, फ्लावर निकालेंगे 2 और कर्व लाइंस हम वहाँ पे ऑप्शन में रखने वाले हैं मैनेज करने हमें। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे निकालूंगी 15 बाय 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए बच्चे, यहाँ पे मैंने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं, बिग, स्मॉल एंड स्मॉल। हमें ये जो सारे शेप्स हैं वो इस तरह अरेंज करने हैं, ओवरलैपिंग करने हैं हमें एक के ऊपर एक। और जब हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं, शेप ड्रॉ करते हैं, तो हमें याद रखना है कि कोई भी पार्ट ज़्यादा छोटा ना हो या तो ज़्यादा बड़ा ना हो। अभी हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, इसी तरह हम 3 स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, स्मॉल एंड बिग। जब स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो ऐसे नहीं कि प्रॉपर स्क्वायर ही होना चाहिए, उसकी शेप थोड़ा सा अलग भी हुआ तो भी चलेगा इस तरह से। स्क्वायर ड्रॉ करते वक्त हमें क्या करना है, अभी जो इसके आगे के वो हमें ओवरलैपिंग दिखानी है। यहाँ पे हमने स्क्वायर भी ड्रॉ किए, देन नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं यहाँ पे ट्रायंगल। पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत बड़ा है, ये वाला पार्ट भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे जो पार्ट्स बड़े होते हैं उसे हमें छोटे करने के लिए कर्व लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पे मैं एक कर्व लाइन ड्रॉ की मैंने, जिसे हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक और कर्व लाइन, ड्रॉ की। यहाँ पे हम कलर फिल करने वाले हैं, तो कलर के लिए हमें लगने वाले हैं वाटर कलर, वाटर पोस्टर कलर। तो ये वाटर पोस्टर कलर हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारी कलर की मेथड हमने सीखी थी पहले, सारी मेथड मैंने सिखाई है आपको। अपोजिट कलर, कूल कलर, वार्म कलर। तो आज हम यहाँ पे अपोजिट कलर के जो हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, जो
में से कोई भी एक हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक जोड़ी, जो अपोजिट कलर की तीन जोड़ियाँ होती है, तो उसमें से कोई भी एक जोड़ी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आपको अपोजिट कलर में रेड, रेड का अपोजिट ग्रीन, ब्लू का अपोजिट ऑरेंज और पर्पल का अपोजिट वायलेट। तो यहाँ पे आज मैं यूज करने वाली हूँ पर्पल एंड वायलेट, सॉरी पर्पल एंड येलो कलर यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ। तो अभी हमें नेक्स्ट कलरिंग हम यहाँ पे पिक करेंगे। तो यहाँ पे हम कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ पर्पल कलर। आपको जहाँ पे पर्पल कलर करना है वहाँ पे आपको फर्स्ट इस तरह से डॉट लगाने हैं, जिससे कि आपको कलरिंग करते वक्त ईजी जाए। जब हम कलरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें दोनों टीन एंड शेड दोनों मेथड यूज करनी है। तो यहाँ पे हम कलरिंग इस तरह से मैंने जो हमारे पार्ट थे उसमें मैंने डॉट लगाए। अभी हम यहाँ पे कलरिंग करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने जहाँ पे डॉट लगाए थे वहाँ पे हमने कलर पिक किए। इसी तरह से आपको इक्वल दोनों पार्ट, दोनों कलर साथ में भरने। अभी यहाँ पे हम येलो कलर की डॉट लगाए हैं। यहाँ पे येलो कलर के डॉट लगाए हैं वहाँ पे हम येलो कलर फिल कर देंगे। तो आपको येलो कलर के इसी तरह से 5-6 डॉट लगाने हैं, देन वहाँ पे येलो कलर फिल करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने पर्पल एंड येलो की एक एक शेड बनाई है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक एक शेड पर्पल की और येलो की करी है। तो आपको जैसे पता ही है टीम्स बनाने के लिए हमें व्हाइट कलर यूज करते हैं और शेड बनाने के लिए येलो और सॉरी ब्लैक। तो यहाँ पे हम अभी जो दोनों कलर है येलो और पर्पल के शेड टीम्स बनाने के लिए हम यहाँ पे व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें व्हाइट कलर ऐड करते हुए यहाँ पे एक शेड बनानी है और वहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे मैंने अभी पर्पल की शेड बनाई है, देन वो हमें जिसी तरह से हमने पर्पल के जो डॉट लगाए थे उसी तरह से यहाँ पे हमें डॉट लगानी है और कलर फिल करना है। देखिए अभी हम यहाँ पे येलो की शेड बनाएंगे और येलो की शेड हम इस तरह से वहाँ पे फिल करेंगे। जिस तरह से पर्पल में हमने व्हाइट कलर ऐड किया है उसी तरह से येलो में भी व्हाइट कलर ऐड करने हैं और वहाँ पे फिल करने हैं। जिस तरह से हमने डॉट लगाए उसी तरह से डॉट डॉट लगाते हुए आपको कलरिंग यहाँ पे कंप्लीट करनी है। इसी तरह से आपको पूरी पिक्चर में व्हाइट ऐड करते करते कलरिंग पूरी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम फिर से करने वाले हैं पर्पल कलर की टोन। इसी तरह से डॉट लगाने हैं और फिर भरने वाले जो भी जो एम्प्टी प्लेस है वहाँ पे ब्लैक कलर हमें ये मिक्स करना है और वहाँ पे ब्लैक कलर की शेड बना के वहाँ पे कलर फिल करना है। जो भी अभी बचे हुए बॉक्स है वहाँ पे हमें इस तरह से डार्क कलर फिल कर देना है। देखिए बच्चों, तो ये हमारी आज हमने डिजाइन जो है वो कंप्लीट की है। फर्स्ट हमने क्या किया, पिक्चर ड्रॉ किया 15x15 सेंटीमीटर। देन उसमें हमने शेप निकाले, सर्कल 2 एंड 3, स्क्वायर 3, ट्रायंगल 2, फ्लावर 2 एंड कर्व लाइन। फिर हमने यहाँ उसमें कलरिंग करी, जो हमने वहाँ पे टीन्स और शेड दोनों यूज किए। देन अभी हमें ये हमारी कलरिंग कंप्लीट हो गई। कलरिंग करते वक्त हमने कैसे किए, अप एंड डाउन।
एक बॉक्स में अगर आप येलो भर रहे हैं तो दूसरे बॉक्स में आपको अपोजिट कलर भरना है। इस तरह से आपको पूरे कंप्लीट कलर कंप्लीट करने हैं। कोई भी कलर एक कलर फिल करोगे तो उसके बाजू में हमें वही कलर फिल नहीं करना है, तो हमारी पिक्चर रॉन्ग हो सकती है। अभी हमें मार्कर पेन से उसके ऊपर आउटलाइन करनी है। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप स्केच पेन से भी उसके ऊपर आउटलाइन कर सकते हो। इसी तरह से आपको पूरी पिक्चर कंप्लीट करनी है एंड उसके पिक्स मुझे सेंड करने हैं। तो कैसी लगी आज की ये पिक्चर हमें? थैंक यू ऑल ऑफ यू।